उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 7 दिन पूर्व हुई युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली टीम को 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को काबू कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र का है, जहां रहने वाले राजू यादव बीते 16 जुलाई को सुबह 11 बजे के लगभग मैनपुरी स्थित एक प्रतिष्ठान पर घर में लगाने के लिए एक लकड़ी का दरवाजा का खरीदने के लिए गया था, जहां से वह वापस नहीं आया। 2 दिन के बाद उसका थाना क्षेत्र के पूर्व पत्नी के पास रामाधार लाइव के सामने बबूलू की झाड़ियों में शव पड़ा मिला। हत्या की अगर बात की जाए तो उसकी हत्या मृतक के शव को उतार कर ही गले में फंदा लगा कर की गई थी, जिसका खुलासा करते ही पुलिस ने मीडिया को बताया कि मृतक राजू शराब पीने का आदी था, जो मां शांति देवी फर्नीचर मिस्त्री सुभाष शर्मा से 8,000 रुपए में दरवाजा लेने के लिए गया हुआ था। इससे पूर्व वह 1,800 रुपए एडवांस भी दे चुका था। दरवाजा पूर्ण न होने के कारण राजू सुभाष शर्मा के घर पर ही रुक गया, क्योंकि दोनों ने करीब 5 वर्ष पूर्व अल्फा फैक्ट्री सोनीपत में एक साथ काम भी किया था। बताया जा रहा है कि राजू और सुभाष का छोटा भाई सिंटू उर्फ महावीर के अलावा विमलेश यादव निवासी गन प्रजापत कॉलोनी मैनपुरी ने एक साथ होकर पहले तो शराब पी और उसके बाद में राजू किसी काम के लिए उसके घर से बाहर निकला तो सिंटू और विमलेश उसके पीछे लग गए, जिन्होंने उसके जेब में रखे हुए 6,200 रुपये और मोबाइल फोन लूटने का प्रयास किया तो मृतक के द्वारा विरोध करने पर उसे घसीटते हुए झाड़ियों में ले गए और उसकी शर्ट से गले में फंदा लगाकर मौत के घाट उतार दिया। नकदी और मोबाइल लूट लिए। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए सिंटू शर्मा और विमलेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उनके कब्जे से मृतक की साइकिल, मोबाइल और 6,200 रुपये बरामद भी कर लिए। हत्या का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने 15,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया है। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। मिला था, पोस्टमार्टम कराया गया था तो मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया था। उसके बाद हत्या का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया था। जो FIR दर्ज कराई गई थी उसमें 8,000 रुपया लूट की भी बात कही गई थी। इस प्रकार से विवेचना जब चली तो हमने इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों सिंटू और विमलेश को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से मृतक की साइकिल बरामद हुई है। मृतक के पास जो मोबाइल था जिसको वो एक जगह से चुरा कर लाया था वो बरामद हुई है। मृतक के 6,200 रुपये भी इन लोगों के कब्जे से बरामद हुए हैं। इन लोगों ने अपना मोबाइल चुरा करके ले गया था, वही मोबाइल वापस प्राप्त करने के लिए सिंटू और विमलेश यादव मोटरसाइकिल से गए हैं। मोबाइल प्राप्त करने में झगड़ा हुआ है, गाली गलौज हुआ है। साथ ही साथ इन लोगों ने उसके मृतक के शर्ट की पॉकेट में 6,200 रुपया भी देखा, उस मोबाइल और उस 6,200 रुपये की लालच में उसको लूटने के इरादे से और उसे उसको जान से मारने की नीयत से इन्होंने उसी का शर्ट निकाल करके और उसका गला घोंट दिया था। क्योंकि वो शराबी था और शराब बहुत ज़्यादा पी रखी थी तो बहुत ज़्यादा वो प्रतिरोध नहीं कर पाया था, इसी कारण से इन दोनों ने मिल करके खाली बने प्लॉट में इसका गला कस करके हत्या कर दी और वहाँ से साइकिल को बबूल की झाड़ में छुपा करके दोबारा बाइक पे बैठ करके ये लोग फरार हो गए थे। इसमें मुकदमा दर्ज था। आज इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पूरी बरामदगी करके ठोस सबूतों के साथ इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। विवेचना जारी है और बाकी की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। चूंकि एक अज्ञात केस था और इसको खोला गया, इसका अनावरण सही सही हुआ है, इसलिए इस टीम को 15,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। आया है एक मुख्य अभियुक्त सिंटू अनपढ़ है और जो दूसरा अभियुक्त विमलेश यादव है वो हाई स्कूल फेल है। इन्होंने बताया कि इनसे इस तरह की घटना हो गई और इसका कोई बहुत बड़ा मोटिव और कोई निकल के नहीं आया है। ये 6,200 रुपये और मोबाइल लूटना ही इसमें मोटिव निकल के आया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.